आरा शहर के मोहलाबाग स्थित एसके साइंस क्लासेज में पुरस्कार वितरण सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस संस्थान से बिहार टॉप 10 में स्थान बनाने वाले दो छात्र शालिनी कुमारी पांचवा स्थान 481 अंक लाकर तथा राजीव कुमार सातवा स्थान 479 अंक प्राप्त किया है और दोनों टॉपर को इस संस्थान के द्वारा 10,000 रूपए के चेक से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही 455 अंक से अधिक अंक लाने वाले छात्र को साइकिल देकर सम्मानित किया गया। साइकिल पाने वाले छात्रों में दीपक कुमार 459 अंक, मनु कुमार 458 अंक, रजनीश कुमार 457 अंक और प्रिया भारती 457 अंक है। इस संस्था के निदेशक श्रवण सर, राहुल सर और गोविंद सर ने बताया कि संस्था में 100% छात्रों ने प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं। यही नहीं, गणित में 100 में 100 अंक लाने वाले छात्र निरंजन कुमार को भी 5,000 रूपए की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ 90% लाने वाले छात्र छात्राओं को बिहार में स्थित कई आकर्षक स्थानों पर टूर का ऑफर भी शामिल है। वहीं सम्मान पाकर बच्चों ने भी अपनी खुशी इजहार किया और उन्होंने कहा कि संस्थान के बदौलत ही इतना अच्छा मार्क्स आया है, जिसके लिए हम अपने माता पिता और गुरुजनों का आभार व्यक्त करते हैं। जी देखिए, हमारे यहाँ जो छात्र बिहार ने टॉप 10 में अपना नाम दर्ज किए हैं उनको कोचिंग में पहले ही बोल दिया गया था कि वैसे छात्र यदि आप बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा में आप स्टेट में कोई भी स्थान लाते हैं 1 to 10 के अंदर, तो आपको कोचिंग की तरफ से 10,000 रुपया का आपको राशि मिलेगा। और जो लड़के 455+ लाएंगे उनको कोचिंग की तरफ से एक साइकिल मिलेगा या कोई जिला टॉपर भी हो। तो हमारे यहाँ से 4 बच्चों ने 455+ अंक लाए हैं, उनको हमने एक एक साइकिल वितरण किया। और जो बच्चे मैथ में 100 में 100 के लिए बोला गया था, तो भी एक बच्चा है जिनका मैथ में 100 में 100 है, उनका निरंजन कुमार नाम है, उनको 5,000 रुपए का चेक दिया गया। और दो लड़के, जो एक लड़की है शालिनी कुमारी पांचवा रैंक, उनको 10,000 का चेक, और जो राजीव कुमार है उनको भी 10,000 का चेक दिया गया है। और ये देने सबसे पहली बात हुई है कि लड़कों में एक मोटिवेशन पैदा होता है, जो अगला बैच है वो एक देखा इसकी ही बहुत ज्यादा काफी मेहनत करने लगता है। पिछले वर्ष हमारे यहाँ से एक लड़का जिला टॉपर किया था और एक लड़का मैथ में 100 में 100 लिया था, उसके देखने से एक लड़का इस साल मैथ में 100 में 100, हालांकि 99 लाने की संख्या बहुत काफी है, 99 बहुत लोग आया, करीब 10 लोगों का लगभग में। और एक उन लोगों को देख करके जो जिला टॉपर मैथ में 100 में 100 देख करके आज जिला टॉपर वाले देखे हैं, तो आज स्टेट टॉपर आ गए। और हम लोग, हालांकि पहले हमने शाहबाद लोग पर इंटरव्यू दिया था, उसने बोला था कि पिछले साल कि हम अगले साल टॉपर देने की तैयारी में लगे हुए हैं और आज हमने टॉपर भी दिए हैं। और लग रहे बच्चे साइकिल की वजह से टॉप आए? जी नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है, लेकिन हम लोग उस प्रकार से तैयारी कराते हैं ना, जिसकी वजह से लड़के टॉप आए हैं। वो तो एक मोटिवेशन हो कि नहीं, हम बचपन में छोटे छोटे बच्चों को आप चॉकलेट देते हो पढ़ने चल जाता है, तो प्राइज के कुछ बात है, मायने रखता है प्राइज। आने वाले दिनों में बिहार टॉपर्स में प्रथम स्थान के लिए क्या करेंगे? देखिए, हमने तो अभी से मेहनत शुरू कर दिया है, जो आने वाला बैच है वो सारे बैचों में, जो तीनों ब्रांच है मौलाबाग, आगांव और गोरना, तीनों ब्रांचों पर हमने पढ़ाई उस तरीके से शुरू कर दिया है कि ताकि जो बच्चे हैं अगले साल हमारे यहाँ से प्रथम स्थान लाए। हम लोग का टारगेट बस यही रहता है कि सिमतुला जो था जमुई का, वो हमको इसके साइंस बनाना है। मेरा नाम राहुल मंजन पड़ेगा जी, मैं इसके साइंस क्लासेस से हूँ। हमारे कोचिंग के दो छात्रों ने टॉप लाए, इसके लिए हम बहुत खुश हैं, उन लोगों को धन्यवाद देते हैं और वो बधाई के पात्र है कि इसी तरह आगे भी मेहनत करते रहे और अपने परिवार का नाम और इसी तरह कोचिंग का नाम रोशन करते रहे। किस तरह से सम्मानित आज किया गया? ये सम्मानित बच्चों को अच्छे नंबर लाने के लिए किया गया था, क्योंकि पहले ये कोचिंग में बोल दिया गया था कि जो बच्चे इस तरह का नंबर लाएंगे उसको हम सम्मानित करेंगे और इसके चलते हम सम्मानित कर रहे हैं। कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है और कितने बच्चों को? जो लड़का जो टॉप 10 में आया उसको हम 10,000 के चेक दिए हैं, दो विद्यार्थी आए हैं शालिनी कुमारी और राजीव कुमार, और जो लड़का मैथ में 100 में 100 लाए उसको हम 5,000 के चेक दिए हैं, और जो विद्यार्थी 455+ नंबर लाए उसको हम साइकिल वितरण किए हैं। कितने बच्चों को? 7 विद्यार्थियों को हमने रखा वितरण किए हैं। मेरा नाम शरण कुमार है।
कोचिंग संस्थान के बारे में यही कहना है कि इनका बहुत ज़्यादा मेहनत रहा। जो टीचर है हमारे सरवन सर और राहुल सर और साथ ही उनके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनका बहुत ज़्यादा मेहनत रहा, बच्चों के लिए संघर्ष बहुत ज़्यादा रहा और इसी संघर्ष के कारण टॉप 10 में स्थान बना चुके हैं दो बच्चे। किस तरह से आपने तैयारी की थी, क्या कहेंगे अपने जूनियर्स को कि वो भी बिहार टॉप 10 में स्थान बना सके? तैयारी तो जैसे नॉर्मली होती है वैसे ही हुआ था, शुरू से सारे सब्जेक्ट पे बराबर ध्यान देना। उसके बाद जब यहाँ हम आए तो यहाँ पे कुछ अलग ही तरीके से जोश था तैयारी में। यहाँ पे टेस्ट और जितना भी टेस्ट के से रिलेटेड चीज़ें की जाती थी तैयारी के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ से किया जाता था। यहाँ पे मतलब सप्ताह में 2 से 3 टेस्ट होता था, बहुत अधिक से अधिक टेस्ट होता था सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। जैसा बोर्ड बिहार बोर्ड में कॉपी होता है वैसे सेम कॉपी उपलब्ध कराया जाता था। हर एक सब्जेक्ट का टेस्ट होता था और एकदम लिखने का तरीका वो सब किस तरह से कॉपी को आकर्षित बनाया गया सारी चीज़। सफलता का श्रेय किसको देना चाहिए? इस सफलता का श्रेय सबसे पहले मेरी मम्मी पापा को, फिर जितने भी टीचर्स हैं सबको, स्कूल के सर को और ये खासकर यहाँ पे एसके साइंस क्लासेस मोलाबाग आरा के शिक्षक को। क्या नाम आपका? नाम मेरा नाम शालिनी कुमारी है। ये तो ऐसे हमारे कोचिंग में जब भी भैया टेस्ट लेते हैं उसको यथोचित पुरस्कार देते हैं, पर लेकिन हम लोग को पहले ही बता दिया अगर टॉप 10 में जो बालक या छात्र लाएगा उसको 10,000 नकद दिया जाएगा। और जैसे मैथ में 100 में 100 लाने का आप जानते ही होंगे कि 5,000 रुपया, और जो 455 प्लस लाने के बच्चों को साइकिल दिया जाएगा। और इसके अलावा भी जिसका 90% से प्लस आता है उसको ट्यूशन की तरफ से पार्टी दिया जाता है, और इस बार तो टूर का भी प्लानिंग किया गया है। और ये किस तरह से यहाँ तैयारी कराई गई? देखिए प्रारंभ में जब हम यहाँ इस कोचिंग में आए थे तो जब यहाँ पे तो वीकली ऐसे नॉर्मली 2 टेस्ट होता है, पर लेकिन जैसे जैसे आगे आईपीएल का भी आईपीएल होता है जिसमें ना क्यूज होता है और बच्चों को उसमें ना जैसे कि क्यूज में जो फर्स्ट आता है उसको पुरस्कार, सेकंड जो रनअप टीम होता है उसको पुरस्कार, टीम बना के यहाँ टीम वर्क भी सिखाया जाता है। इसके अलावा जैसे मैथ में अगर मैथ होता है तो उसको बहुत बढ़िया समझाया जाता है, जैसे कि आज कमजोर से कमजोर बच्चा भी उसको समझ सके, इतना उसको इलेबोरेट करके समझाया जाता है कि मतलब एक छोटा छोटा पॉइंट भी जैसे माइनस से प्लस कैसे बदला ये भी, मतलब ये कोई और कोई संस्थान में नहीं बताया जाता। बिहार में आपने कितना स्थान? मेरा नाम राजीव कुमार है, मैं बिहार में 7वां रैंक प्राप्त किया। अच्छा, इसके सफलता का श्रेय किसको देना चाहिए? इसका सफलता का श्रेय मैं अपने माता पिता और शिक्षक और एसके साइंस क्लास के राहुल सर और श्रवण सर को। सबसे पहले तो जब हम लोग इस कोचिंग से जुड़े तो उसी टाइम हम लोग पोस्टर बन गया था कि अगर 100 में 100 मैथ में लाओगे तो 5,000 का चेक दिया जाएगा। पिछले सत्र हम लोग भैया जो एग्जाम दिए थे उनका भी 100 में 100 आया था तो उनको भी 5,000 का चेक मिला था। ठीक है, आपका कितना रैंक लाया है? कितना नंबर आया आपका? 453 है। आज सम्मानित किया गया है अपने सर को लेकर, क्या कहेंगे संस्थान के बारे में, क्या कहेंगे तैयारी करेंगे? इस कोचिंग बारे में ही कहेंगे कि इस कोचिंग में जिस तरह से पढ़ाई होता है हर लड़के को मोटिवेट किया जाता है, सप्ताह में 2 बार टेस्ट लेकर और हर लड़के को प्राइज वितरण किया जाता है जिससे लड़का मोटिवेट होकर और एक दूसरे को देखकर और प्रभावित होता है और पढ़ने में मन लगता है। क्या नाम? निरंजन कुमार। गणित में आपका 100 में 100 है, किस तरह से यहाँ पर पढ़ाई होती है गणित की? यहाँ पर जिस तरह से पढ़ाया जाता है जैसे हर कोचिंग में त्रिकोणमिति और मैथ में किस चीज़ को हार्ड लेकर बताया जाता है कि त्रिकोणमिति हार्ड है, यहाँ पर जिस तरह से पढ़ाया जाता है शायद हमें नहीं लगता है कोई भी कमज़ोर भी छात्र जो होता है वो उसको तो आसानी से समझ में आता है और तेज लड़का जो होता है उसको तो याद हो जाता है। यहाँ पर इस तरह से मैच पढ़ाया जाता है। नाम बता दीजिए। निरंजन कुमार।